मोहम्मद जलालुद्दीन, अधर परवेज, पटना पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों संदिग्ध आरोपियों ने पूछताछ में बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। साजिश बहुत गहरी थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार की राजधानी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम कामयाबी हाथ लग गई। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री को पटना आना था, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना थी। इस बाबत आईबी ने बिहार पुलिस को डिटेल दी और एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और पटना के फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग से गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। यह अहमद पैलेस है जलालुद्दीन का, जो झारखंड पुलिस में एएसआई हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर अपना मकान बनाए हैं। इसी के ऊपरी तल्ले पर अतहर बिहार और बिहार के बाहर से लोगों को बुलाकर देश विरोधी गतिविधि के लिए ट्रेंड करता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह अहमद पैलेस है और यहीं पर ट्रेनिंग होती है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस और एनआईए की जांच में पटना एयरपोर्ट के करीब कुछ कॉपर वायर का कवर मिला है, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास तक कॉपर वायर का कवर मिलना संदिग्ध माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि एयरपोर्ट तक ब्लास्ट कराने के लिए तार पहुंचाने की कोई साजिश तो नहीं रची गई थी। दोनों संदिग्धों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये साजिश हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंड खंड करने वाली है, क्योंकि ये मिशन 2047 पर काम कर रहे थे। इस साजिश को 25 साल बाद यानी 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रचा गया था। ये साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक मकसद के लिए रची गई थी, इसे आप इन दोनों साल के डिजिट से डिकोड कर सकते हैं। पहला है 1947, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 में ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खतरनाक मिशन पर काम कर रहे थे। 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों, दूसरे जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें। याद कीजिए वो ऐतिहासिक तारीख 15 अगस्त 1947, जब संसद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश झंडे को उतार कर भारत का तिरंगा फहराया था। इसके बाद देश के संविधान बनाने वालों ने भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की नींव रखी थी, जहां सबको धार्मिक आजादी मिली, उपासना की स्वतंत्रता मिली, लेकिन पीएफआई के इस मिशन 2047 में उसे तार तार करने का षड्यंत्र बनाया था। ये साजिश तब और बड़ी बन जाती है जब दोनों संदिग्ध आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़े बताए जाते हैं, क्योंकि पीएफआई की सोच उसके कर्नाटक बैंक के सदस्य और खजांची शाहिद नासिर को सुनकर शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारी जो लड़ाई है अंग्रेजों के गुलामों के साथ, हमारी लड़ाई 1947 तक जिस तरीके से गोरों के साथ लड़ के यहाँ से मुझसे भगाए थे, आने वाले दिनों में ये वही ब्राह्मण गोरों को भी इंडिया से इंशाल्लाह हम भगाएंगे। एक पर हमला, सब पर हमला, आज पॉपुलर फ्रंट के ऊपर हमला हुआ है, कल मस्जिद कमेटी का अकाउंट सॉल्व करने के लिए ये लोग आएंगे, कल हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेजेस का अकाउंट ये चेक करने आएंगे। आज हम सबसे पहले हमला सहने के लिए रेडी है, जब तुम पर आएगा तुम सह नहीं सकेंगे, आज भी वक्त है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ठहरो और जो है मुल्क से जो है अनारकी को और परिवार को खत्म करने के लिए हाथ जोड़कर आगे बढ़े। आईबी की सूचना पर पटना पुलिस ने पीएफआई सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के पास से पुलिस को पीएफआई का झंडा, बुकलेट, आपत्तिजनक पर्चे और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पीएफआई का
झंडा है, साथ ही लोगों को जो मेंबर बनाया जा रहा था उसकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और SDPI का यहाँ पर पेपर मिला है। साथ ही जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके भी कई कागजात यहाँ पर मिले हैं। जाहिर सी बात है पुलिस छापेमारी के बाद पूरी तरीके से तहकीकात में जुटी है, तो वहीं जो NIA है, ATS है, वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं SDPI बिहार का ये कार्ड है, गेस्ट का कार्ड है। इन्हीं दस्तावेजों में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसे इंडिया 2047 का नाम दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 2047 तक भारत में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें ये भी लिखा है कि PFI में अगर 10% मुस्लिम भी जुड़ जाएं, तो वो बहुसंख्यकों को घुटने के बल पर ला सकते हैं और भारत में इस्लाम का पुराना गौरव वापस पा सकते हैं। यानी इतनी जहरीली सोच के साथ पटना में बहुत कुछ हो रहा था, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर में। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है और अब PFI का सक्रिय सदस्य है। वहीं दूसरा आरोपी अथर परवेज आतंकी संगठन सिमी का सदस्य था। सिमी पर बैन लगने के बाद वो PFI से जुड़ गया था और उनकी राजनीतिक विंग SDPI के लिए काम करता था। यही नहीं, जांच में पुलिस को पता चला कि अथर आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का बेलर रहा है। 2001 से लेकर 2013 तक कई आरोपियों की जमानत करवाई है। किसी टारगेट की कोई जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा मकसद क्या था, पूरी कार्रवाई किस मकसद से यहां पर लोग जुटते थे, कार्यालय चलाने का क्या औचित्य था, उन सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की कार्रवाई हो रही है। जब अनुसंधान होगा, बातें निकाली जाएंगी, तथ्य सामने आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, पूछताछ होगी, न्यायालय में बयान होंगे, तो एक पुख्ता जानकारी मिल सकती है। अभी कुछ भी कह पाना कि उनकी किस तरह की फ्यूचर की योजना थी या क्या था, अभी यह कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। अब तक पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, ये सभी नामजद FIR है। 26 नामजद आरोपियों में पटना, दरभंगा और सीमांचल इलाके के लोग शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस को आरोपियों के पास से PFI की वो लिस्ट भी मिली है जिसमें कब कितने लोगों को PFI से जोड़ना है, संस्था का मेंबर बनाना है, उसका टारगेट है। इसमें फॉर्म और सदस्य बनाए गए लोगों की पूरी डिटेल्स है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अथर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के NGO को चला रहा था, ठीक उसी तरह जैसे PFI युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाती है। पटना पुलिस के मुताबिक अथर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों NGO के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जिसका सीधा मकसद भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काना और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना है, ताकि दक्षिणी भारत की तरह उत्तर भारत में भी यूनिटी मार्च के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। पटना पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जलालुद्दीन अतहर परवेज के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो गरीब हो, अशिक्षित हो। उन्हें मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस के मुताबिक इन्होंने हाल में 6 और 7 जुलाई को बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए ऐसे ही युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और इस काम के लिए दोनों संदिग्ध आरोपियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों से फंडिंग हुआ करती थी। ट्रेनिंग में आने वाले किसी भी आदमी की पहचान जाहिर ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जलालुद्दीन और अतहर के पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अपना नाम बदल कर आते थे, रहते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाते थे, क्योंकि उनका असली मकसद इंडिया 2047 को अंजाम तक पहुंचाना था। आजादी के 100 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, लेकिन वक्त रहते इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। साजिश थी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी। जांच के दौरान कनेक्शन सामने आ चुके हैं। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप से बात होती थी, अब राजस्थान में आए घटनाक्रम में भी आप देखेंगे
तो व्हाट्सएप ग्रुप ने कई राज उगले थे, वहां भी व्हाट्सएप ग्रुप राज उगल रहा है, कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। फुलवारी शरीफ से इलियास ताहिर अरेस्ट हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए गजवाए हिंद ग्रुप के जरिए साजिश रची गई, रची जा रही थी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी घटनाक्रम के कनेक्शंस मिले हैं। अगर राजस्थान में आप देखेंगे तो उदयपुर हत्याकांड के बाद पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, अब जो बिहार में हुआ है उसका भी पाकिस्तान से कनेक्शन मिल रहा है। पीएफआई का कहना ही था अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कि मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ मदद की गुजारिश करेंगे। देखिए बांग्लादेश से कनेक्शन सामने आया है, पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप से यहां से वहां और वहां से यहां बात हुआ करती थी। फुलवारी शरीफ से इलियास ताहिर को अरेस्ट किया गया है। इलियास ताहिर जिसे कि अरेस्ट किया गया है फुलवारी शरीफ से, इलियास उर्फ मगरू, इसने गजवाए हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, गजवाए हिंद नाम से मैसेंजर पर भी ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों को जोड़ा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों से इलियास व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए बात किया करता था। फुलवारी शरीफ में जिहादी ट्रेनिंग पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इलियास ताहिर नाम के जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसे मगरूब नाम से भी जाना जाता था, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा था गजवाए हिंद और इसी नाम से मैसेंजर पर भी उसने ग्रुप बनाया और एक एक कर कई लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों को इस ग्रुप में उसने जोड़ा और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों से इसी ग्रुप के जरिए बातचीत किया करता था। व्हाट्सएप और मैसेंजर पर ग्रुप बनाए गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोगों को उसमें जोड़ा गया और फिर व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए उनसे बातचीत शुरू की गई, बातचीत को आगे बढ़ाया गया। हालांकि ये जांच का विषय है कि किस तरह की बातचीत हुआ करती थी और विश्वास मानिए जल्द ही ये राज भी सभी के सामने होगा क्योंकि बहुत तेजी से जांच चल रही है। आज प्लान एक्सपोज हुआ है, अभी तो बहुत कुछ एक्सपोज होना बाकी है और जल्द ही बहुत कुछ